अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के दो न्यू हैक्स लेके आई हूँ जी जनाब जो हमारा पहला हैक है वो है अंडे से मतलब आम तौर पर जब हमारे यहाँ मेहमान आते हैं हम बॉईल एग करते हैं लेकिन उसका छिलका उतारना एक बहुत मुश्किल काम होता है तो आज हम उसी मुश्किल काम को आसान करने जा रहे हैं जी आपको अंडा बहुत अच्छे तरीके से बॉयल करना है जैसे ये मेरा अंडा बॉयल है इसको थोड़ा सा ऊपर से छिलका आपने उतारना है ताकि हमारा चम्मच जो है वो इसके अंदर जा सके ये जैसे मैं उतार रही हूँ ऐसे आप थोड़ा सा छिलका जो है उतार लीजिएगा उसके बाद जो है वो चम्मच को छिलके के शल के अंदर जो है वो इस तरह से आपने ले जाना है और इस तरह से घुमाते जाना है और आपका छिलका बहुत आसानी के साथ उतर जाएगा ना कहीं से अंडा टूटेगा ना उस पर कोई निशान आएगा जिस दिन आप कितनी आसानी के साथ हमने अपने अंडे का छिलका जो है वो उतार लिया है अब हमने अंडे का छिलका तो उतार लिया है अब दूसरा काम जो होता है इसके स्लाइसेस करना होता है अंडे के इक्वल स्लाइसेस करने के लिए हम या तो स्लाइसर लेते हैं अगर आपके पास स्लाइसर है तो वेल एंड गुड अगर नहीं है तो उसका भी मैं आपको एक हैक बता देती हूँ जी जनाब हम फोक की मदद से अंडे को स्लाइस करेंगे और अब हम उस पर फ़ोक को इस्तेमाल करते हुए उसको हम कटिंग करेंगे अच्छा आप चाहें तो अगर आपकी छुरी तेज़ है तो आप इस तरह से भी कटिंग कर सकते हैं जैसे ये रखा हुआ है ऐसे ही आप स्लाइस काटते जाइए अगर आपकी छुरी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ नहीं है तो आप इस तरह से निशान लगा लीजिए और इसके स्लाइसेस जो हैं वो काट लीजिए जी देखिएगा बिल्कुल इक्वल स्लाइसेस होंगे और बहुत खूबसूरत से आप काट लेंगे और बहुत मज़े के लगेंगे ये देखिए इससे ना सिर्फ आप अंडा को छील सक अंडे की कटिंग कर सकते हैं बल्कि इसके साथ साथ आप वेजिटेबल्स की भी कटिंग इस तरह से इक्वल पार्ट्स में कर सकते हैं इन्हीं आपको आप किसी किस्म का कोई स्लाइसर वगैरह पे पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है ये देखिए आप, आपके सामने मैं खीरे की कटिंग भी इसी तरह से करूँगी हम उस पर लगाएंगे अपना फोक और उसकी कटिंग जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे और हमारी बहुत ज़बरदस्त किस्म की सैलेट जो है वो हम इस तरह से रेडी कर सकते हैं इसी तरह से आप टमाटर काट सकते हैं प्याज़ काट सकते हैं एक्स वाई जी जो चीज़ आप कटिंग करना चाहें इक्वल स्लाइस आपको चाहिए आप उस पर फोक रखिए और उसकी कटिंग जो है वो स्टार्ट कर दीजिए है ना ज़बरदस्त ट्रिक दूसरा हैक बहुत मज़े का है और बहुत ही आसान है इसका ताल्लुक़ है हमारी फटी पुरानी एड़ियों से या जिस जगह भी आपके जिसम पे चेहरे पे हाथों पे एक्स वाई वाइजी जहाँ भी आपके खुश हो आप इसको, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन फटी पुरानी एड़ियों पे ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है तो आपने इसको अगर आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं तो आपने इस हैक को ज़रूर ट्राई करना है इसमें लेना कि आपने कोई भी वाइट पेस्ट लेनी है यानी कोलगेट हो स्पार्कल हो एक्स वाई जो जो भी हो आपके पास लेकिन वाइट होनी चाहिए उसके साथ ही हमने थोड़ी सी जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए वैसलिन दे यानी मैंने क्वार्टर टी स्पून जो है वो पेस्ट ली और क्वार्टर टी स्पून ही मैंने उसमें वैसलीन शामिल कर दी और इन दोनों चीज़ों को हमने इतनी देर तक मिक्स करते रहना है कि ये यकजान हो जाए और इस तरह से एक पेस्ट रेडी हो जाए ये पेस्ट जो है वो इतना जादुई असर रखती है कि आप को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आएगा मैं आपको फिलहाल हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ लेकिन आपके लिए ये एडियों के लिए मैंने बताई है और ये एड़ियों पे बहुत इफेक्टिव है आपने ट्राई करनी है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको कैसी लगी थैंक यू वेरी मच खुश रहें हैं आप